तारी श्री गणेश जी महाराज की है। ये प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर जो है सभी मोहल्ले के बच्चा लोग सभी परिवार लोग इकट्ठे होकर के हर साल गणेश जी महाराज की स्थापना करते हैं, गणेश जी महाराज को विराजमान करते आ रहे हैं। ये 1992 से उसके बाद में जो है हर साल ये पूजा होती है। 7 तारीख को स्थापना हुई है, 17 तारीख को विसर्जन होगा। ओम कपूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतुम हिंदयारुविंदे भवम भवानी सैतम नमामि भवम भवानी सैतम नमामि। शिव समान दाता नहीं ना कोई पालनहार, लज्जा सबकी राखियो नंदी के अजवार। अन्नपूर्ण सदा पूर्णे भक्त वैराग ज्ञान सिद्धते विक्यांची देवी पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर। बोलो सर्वनाशनकारी श्री गणेश जी महाराज की जय। गणपति बप्पा। इसको सबको मिलजुल कर करना चाहिए, रोज आना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। गणेश जी आए हैं, रौनक लगी हुई है और भगवान का नाम जप रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि सबको मिलजुल कर सेवा करनी चाहिए। इसमें कोई भी धर्म को ऐड नहीं करना चाहिए। तो मैसेज क्या देना चाहते हो जो लोग आपको सुन रहे हैं? बस यही कहना चाहती हूँ कि सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, सभी धर्मों का सत्कार करना चाहिए। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई मुसलमान वगैरह कुछ नहीं है, सब मिलजुल कर रहना चाहिए। सबके धर्म एक है और सबका ही सत्कार करना चाहिए। बस मैं तो यही करूँ। एक मैसेज और, जब गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं हम, उससे हम काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, करते हैं तो इसे कैसे देते हो? इसका बचाव होना चाहिए। हाँ, बचाव तो होना चाहिए। देखो, सबको अपने तरफ से ना प्रिकॉशंस तो लेनी चाहिए, जैसे बच्चों वगैरह को या फिर जो भी हैं उनको ज़्यादा आगे नहीं होना चाहिए, और वो लेडीज़ वगैरह को भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो ज़्यादा बहुत भी हैं उनको भी अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो, तभी हमें अपने भगवान का आशीर्वाद मिलेगा ना, अगर हम अपना खुद भी ध्यान रखते हैं, है ना। तो भगवान भी तभी मदद करते हैं जब हम खुद अपनी मदद करते हैं। कौन सी जगह विराजमान इस टाइम जो? ये डुगरी फेस 1 है, लेबर कॉलोनी है, तो यहाँ भी ये विराजमान है। थोड़े दिन यहाँ रहेंगे, फिर उसके बाद फिर विसर्जन हो जाएगा।